हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और अभी हो रहा है शाम का वक्त, तो मैंने दिन भर से व्लॉगिंग नहीं की, थोड़ी थोड़ी की मैंने, बट फिर मेरे को ध्यान आया कि बहुत टाइम से मैं कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी, करना चाह रही थी, पर हो नहीं पा रहा था कुछ कुछ रीज़न्स की वजह से। बट वो फाइनली वो चीज़ें हो गई, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग आज नहीं की। बहुत वैसे लेजी टाइप में रही, और अभी शाम हो रही है, बारिश वारिश हो रही है, तो ये व्यू देख लीजिए। और अभी हम लोग चाय वाय पिए उसके बाद, और आज संडे है तो फिर ये तो छुट्टी पे है, तो इसलिए चाय वाय, अंकित भी आया था तो हम लोग सब लोग चाय पे लिए से आए तो हम लोग चाय वाय पी लिए। और अभी ना ऐसी बात बात में, चलो फाइनली मेरा दोपहर से ये चीज़ हो रही थी, नहीं हुआ। अब बताती क्या चीज़ मेरी हो रही थी ना, बहुत दिन से प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी अपने शादी का जो वीडियो है ना वो आपके साथ शेयर करूं। और सबसे बड़ा रीज़न तो आपके साथ शेयर करना तो है ही है, पर YouTube पे जा रहा तो ऑफकोर्स आप लोग तो मतलब हो तभी हो पाएगा वो चीज़। तो सबसे बड़ा लेकिन रीज़न ये है ना कि सीडी वीडी कभी कभी ख़राब हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है। तो मैंने सोचा YouTube एक अच्छा जरिया है कि आप लोग के साथ शेयर भी कर लूँगी और अपनी मेमोरी के लिए हमेशा के लिए उसमें रहेगा। तो इसलिए सोची कि मैं उसमें विदाउट एडिटिंग मैं अपना जो शादी का वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि करती हूँ, बट करते टाइम ना बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि जो वीडियो सीरियस शादी का था ना, तो उसका जो साइज़ वगैरह रहता है, क्वालिटी, वो सब अलग ही थी, तो काइनमास्टर से नहीं हो रहा था। तो फाइनली जैसे तैसे करके किया अंकित तीनों ने, दोनों जने मिलके, तो फाइनली हो गया। तो मैंने सोचा अब हो गया है तो पहले फटाक से पहले इंट्रो दे देती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। वरना विदाउट इंट्रो ना अगर आपके साथ शेयर कर दूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे कि इतनी लंबी लंबी वीडियो हम लोग क्या देखें। अब आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप लोग को देखना हो तो प्लीज़ देखना और अपना प्यार देना, नहीं देखना हो तो कोई बात नहीं। मैं तो अपनी मेमोरी के लिए कर रही हूँ शेयर विदाउट एडिटिंग, जितनी बड़ी वीडियो होती है ना उतनी बड़ी। तो बस ये चीज़ करूँगी ना मैं कि जो भी 3-4 घंटे की शादी की सीडी है ना वो मैं एक साथ नहीं डालूँगी, ऐसे एक एक घंटे का करके डिवाइड कर दूँ, ताकि आप लोग भी बोर भी ना हो और मुझे भी अच्छा रहे अपलोडिंग करने में। तो इसीलिए तो बस इतना ही कर रही हूँ, बाकी एडिटिंग कुछ भी नहीं है, कट विट कुछ भी नहीं किया है। हाँ, कॉपीराइट आने के डर से मैंने क्या किया ना, वॉल्यूम वगैरह चेंज कर दिया है, तो मे भी शायद ना आए और जैसा भी रहेगा तो ये देखा जाएगा। बट मैं जो कर रही हूँ अपने मेमोरीज के लिए शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। अब मेरी शादी की वीडियो आप लोग इन्जॉय करना। अब मैं जब मेरा तीनों वीडियो मतलब 3-4 क्लिप्स जाएंगी, 2-3 दिन लगातार डालूंगी, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी, तब मैं वीडियो को एंड करूंगी। अब इंट्रो की यहीं पे मैं दूंगी, हर वीडियो में नहीं दूंगी। सो चलिए, जैसा भी लगेगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना। प्लीज़ यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो बाय बाय।
I'm not afraid to die.
अब मेरा सारा घर का जो भी मेरा रिचुअल्स था ना वो सारा कुछ हो गया। और ये है मेरा शादी का हॉल, यहाँ कल्याण में था तो हम लोग के नियरेस्ट तो वहीं पे अब सब लोग पहुँच चुके थे। मैं नहीं इस टाइम पे पहुँची थी, मैं थोड़ा सा लेट पहुँची थी क्योंकि मेरी बिल्डिंग में ना एक और शादी थी, तो इसलिए थोड़ी सी गाड़ी उनकी मतलब लड़के की शादी थी तो गाड़ी जाम हो गई थी, तो इसीलिए मैं लास्ट में पहुँची। और मैं थोड़ी बहुत घर से रेडी होके आई थी और थोड़ी बहुत यहाँ पे, और मैं कोई पार्लर वाली हायर नहीं की थी, बिकॉज मेरी भाभी और मेरी फ्रेंड मिलके मुझे रेडी किए थे। और कैसे रेडी किए थे आप लोग देखना आगे और कमेंट करके बताना। तो बस यही सब है, और कैसा हॉल सजा है वो आप लोग बताना कमेंट करके। सच में मुझे बहुत सिंपल और स्वीट सा लग रहा था, और थोड़ा सा ना मेरी शादी थोड़ी सी कम टाइम पीरियड में हुआ था कि सडन जैसे एक डेढ़ महीने के अंदर सारा कुछ अरेंजमेंट हुआ था ना, तो जितना हो पाया था पापा ने किया था। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट हुआ था, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे एसी हॉल था, सेकंड फ्लोर पे खाना ओपन टेरेस था, ऐसा कुछ था। और यहाँ पे आ गई बारात, तो इस टाइम पे तो मैं नहीं आई थी, बारात आने के पहले मैं आ चुकी थी। उसके बाद तो जो सुपारी उपाड़ी फेंकना रहता है ना, तो मैं नहीं फेंक पाई थी, मैं मुँह से निकाल के अपनी फ्रेंड को या मेरी भी शायद मेरी बहन लेके गई थी, फेंकी थी क्योंकि मतलब कम टाइम रह गया था मुझे रेडी होने में, थोड़ा सा टाइम लगता इसीलिए, तो कोई और फेंका था, बस मेरे मुँह की सुपारी चली गई थी, फेंक दिया था, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग यहाँ कैसे होता है बताना कमेंट करके। ये देखो शादी का हॉल का नाम, और यहाँ मेरे चाचू और मेरा भाई मतलब चाचा का बेटा, ये इनको उतारने आया था, तो गाड़ी से निकालते हैं ना, तो बस दूल्हे को वो स्पेशली पिक करने आए थे गाड़ी से निकाल के, फिर ड्राइवर को, फिर मेरे मामा ससुर बाजू में मतलब मेरे फूफा जी वो बाजू में खड़े हैं, तो मतलब एक गार्जियन होते हैं ना तो आगे वो खड़े हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहना प्लीज़, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। द्वार पूजा किस किस के यहाँ कैसे होती है बताना कमेंट करके। अब होने चल रही है द्वार पूजा, काफ़ी टाइम हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा फास्ट वीडियो कर दिया है थोड़ा सा, और कॉपीराइट ना आ जाए तो इसलिए वॉइस चेंजेस कर दिया है, बाकी एज इट इज़ सब कुछ है, कुछ एडिटिंग नहीं है, कटपीट कुछ भी नहीं है, सिर्फ फास्ट कर दिया है थोड़ी सी स्पीड और वॉइस मतलब चेंजेस कर दिया, दैट्स इट। और अब यहाँ पे द्वार पूजा होगी, काफ़ी टाइम तक चलेगी, आप लोग वीडियो पे बने रहना प्लीज़, पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपना प्यार देना, बाकी और कुछ नहीं कहूँगी, चलिए आगे वीडियो पे बने रहना।
रिलेटिव्स मेरी फैमिली है और बाकी पीछे फ्रेंड्स वगैरह पापा के सारे कुछ है जो भी हैं वो सारे लोग हैं और यहाँ पे जेंट्स यहाँ पे लेडीज़ है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। हॉल्स खाने का अरेंजमेंट ना टेरेस पे था, दो फ्लोर का हॉल था, तो यही सब है, सारे लोग बैठे हैं और सब कुछ अच्छा लग रहा है। सो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और अभी मैं यहाँ पे बाहर नहीं आई हूँ, मैं अंदर रेडी हो रही हूँ रूम में, और ये भी अंदर मतलब जो दूल्हे का रूम था वहाँ पे रेडी हो रहे हैं सब। दोनों सेपरेट सेपरेट रूम थे तो वहाँ पे रेडी होते होंगे फ्रेशन अप। और बस आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आगे का वीडियो ना कंटिन्यू बने रहना। इसके आगे का वीडियो सेकेंड व्लॉग में जाएगा क्योंकि थोड़े से पार्ट पार्ट में कर दूँ ना ताकि आप लोग बोर ना हो इसीलिए। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।